क्लास नाइन्थ का ये मैथ है। इसके पहले हमने एक्सरसाइज 2.3 बनाया था, आज 2.4 एक्सरसाइज में कह रहा है कि निम्नलिखित बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से किस बहुपद का एक गुणनखंड x+1 है। उसमें एक नंबर क्वेश्चन, चार क्वेश्चन इसमें है, हम एक बना दे रहे हैं, आप तीन बनाएंगे घर पर। देखिए दो तरह से बनाए जा सकते हैं। इसके पहले हमने जो 2.3 बताया था, भाग दिया था, ये भी भाग से भी बन सकता है। x+1 ये वाला x+1 से भाग कर दीजिए, इसमें x³+x²+x+1 इससे भाग कर दीजिए, अगर शेषफल बच जाएगा तो गुणनखंड नहीं है, और शेषफल नहीं बचे तो गुणनखंड है। x पर कुछ पावर नहीं तो एक है, यहाँ पर तीन है, एक है, हमको तीन चाहिए। जो लड़के इसके आगे वाला वीडियो नहीं देखे वो भी समझ ले, यही चीज जो आगे वाला वीडियो में बताया गया था, भाग था वो भी। x में x² से जब गुणा करते x³ हो जाएगा पलट। अब x² से एक मिलते x², भाग दिया जाता है तो घटाया जाता है, चीज बदल दीजिए, प्लस तो माइनस हो जाएगा, प्लस तो माइनस हो जाएगा, एक कट गया और ये भी कट गया, क्योंकि इसके पास प्लस, इसके पास माइनस, इसके पास प्लस, इसके पास माइनस, अब बच गया हमारा x+1 उतरेगा। यहाँ कुछ चीज नहीं दिखे तो जोड़ है, यहाँ जोड़ कर दीजिए, x+1 x+1 एकदम सेम सेम है तो एक बार में दोनों कट गए, अर्थात शेषफल हमारा जीरो बच गया। तो जब शेषफल जीरो बच गया तो आप लिख सकते हैं, कहता था कि बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से किस बहुपद का एक गुणनखंड इतना है। आप लिख सकते हैं कि x³+x²+x+1 का एक गुणनखंड x+1 है। अगर नहीं कटेगा तो लिख दीजिएगा कि नहीं है, बस इतना ही है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इस तरह इसमें के 2, 3, 4 बना लीजिएगा। और क्वेश्चन नंबर 2 कहता है गुणनखंड प्रमेय लागू करके बताइए कि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में gx px का एक गुणनखंड है या नहीं है। एक नंबर px में लिखा है 2x³+x²-2x+1 और gx में लिखा है x+1। गुणनखंड प्रमेय का प्रयोग करना है इसमें, देखिए बाबू एकदम आसान तरीका, चाहेंगे तो इस तरह भी बना सकते हैं, लेकिन गुणनखंड प्रमेय का प्रयोग करना है तो इसको लिखिए x+1 बराबर में लिख दीजिए जीरो gx का, इसलिए x = ये एक के पास प्लस है तो इधर आके माइनस हो जाएगा, माइनस x का मान हमारा -1 है। अब ये px में देखिए, px इसमें है 2x³+x²-2x-1 इसमें बैठाना है, x के मान -1 लिख दिया, 2x² - 1 तीन बार पलट, फिर x आ गया तो -1 दो बार, 2 - 1 और ये -1, 1, 2, 3, 4 चार पद में था, चार पद में होना चाहिए। देखिए चिन्ह बंद खींचिए समझाने के लिए बता कर रहे हैं, ये चार पद है, ये चारों का गुणा करना है। देखिए इसमें माइनस की चिन्ह 1, 2, 3 बार है, अगर इस माइनस से माइनस काट देंगे तभी एक माइनस बचेगा, तो माइनस रहेगा। अब 2 में 1 में 1 में 1 में गुणा करके 2 ही होगा, यहां माइनस करके प्लस हो गया, 1 में 1 से गुणा कीजिए तो 1 होगा, ये माइनस और ये माइनस मिलकर प्लस, 2 * 2 - 1 माइनस वाले को 1 में, जिसमें माइनस नहीं है उसको 1 में, ये दोनों को 1 में जोड़ देंगे, माइनस माइनस प्लस होता है, तो 2 + 1 = 3 2 और 1 = 3 प्लस माइनस माइनस
तीन में से तीन के जीरो, जीरो आना चाहिए। अगर जीरो आ जाए तो लिख दीजिएगा गुणनखंड है, और जीरो नहीं आता है तो लिख दीजिए गुणनखंड नहीं है। तो यहाँ हमारा जीरो आया है तो लिख दीजिए गुणनखंड है। पूछा जाता है गुणनखंड है या नहीं, तो है। इस तरह से आप दो नंबर के क्वेश्चन भी तीन क्वेश्चन दिए गए हैं उसको बना लीजिएगा। इसके बाद के का मान निकालना हो और उसके बाद गुणनखंड है, हम आगे वीडियो में बताएंगे। गुणनखंड जो चार नंबर है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपको मैट्रिक क्लास में बहुत उसका प्रयोग करेगा। चार नंबर क्वेश्चन हम दूसरे कल बताएंगे दूसरे वीडियो में। धन्यवाद।